नमस्कार, पांचवी पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज देश की राजधानी दिल्ली में राजनीति का सुपर डुपर वेडनेसडे है। अब से ठीक एक घंटे बाद पीएम मोदी दिल्ली के द्वारका में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की इस रैली में अभी से भीड़ जुटने लगी है। खास बात है कि अब से 24 घंटे बाद यानी कल शाम दिल्ली में सातों सीटों के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। यही वजह है कि आज बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत चुनावी प्रचार में झोंक रखी है। वैसे तो दिल्ली में तमाम चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की सियासत में एक ऐसा कांड हुआ है जिसने सारे समीकरण बदल दिए हैं या बदलते दिखाई दे रहे हैं। और वो कांड है, वो घटना है, स्वाति मालीवाल की पिटाई का आरोप। जी हाँ, इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। आज स्वाति मालीवाल ने यह खुलासा किया है कि खुद पार्टी के बड़े नेता उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने के लिए पार्टी के अंदर एक घिनौनी साजिश रची जा रही है। यहां तक कि उनके चरित्र हनन के लिए भी साजिशें रची जा रही हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के दावों का खंडन किया है। इस बीच स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस वापस मुंबई से दिल्ली लेकर आ गई है। कहा जा रहा है कि विभव कुमार ने मुंबई में अपने मोबाइल का डेटा फॉर्मेट किया था। फिलहाल आज पांच की पंचायत में हम दिल्ली की पूरी राजनीति पर चर्चा करेंगे, स्वाति मालीवाल से जुड़े मुद्दे पर भी बात करेंगे जिसकी वजह से दिल्ली की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि कैसा है दिल्ली का चुनावी दंगल। देश को मजबूत बनाना है, इसके लिए मजबूत सरकार चाहिए और मुझे भी मजबूत साथी चाहिए। और इसलिए दिल्ली में भी ऐसे हमारे सभी उम्मीदवारों को राजधानी का प्रतिनिधित्व आपके आशीर्वाद से ये सब विजयी हो, विकसित भारत का मेरा संकल्प पूरा करने के लिए ये मेरे साथ ही बने। देखिए, पहली बात तो ये मेरा होम असेंबली है। यहाँ से मैं 9 साल से विधायक हूँ। यहाँ की जनता ने मेरा काम देखा है, हर बार जीतने का मार्ग जनता ने बढ़ा के दिया। 3 बार विधानसभा दिया, 1 बार तीनों पार्षद सीटें दे दी जहाँ 50-50 साल से भाजपा बैठी हुई थी। तो जनता ने शुद्ध रूप में काम और त्याग को एक ऐसा दर्जा दिया कि ऑटोमेटिकली जनता के सारे वोट मुझे पड़ जाते। जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए और अंतरिम राह पर वो भी कंडीशनल बेल लेकर आए हैं, तब से जग हसाई हो रही है। कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। एक भ्रष्ट आदमी जो भ्रष्टाचार के चलते जेल में था, जिसका उप मुख्यमंत्री, जिसका स्वास्थ्य मंत्री, जिसका शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, जेल मंत्री सब जेल में है और खुद जेल में था, अब दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। भ्रष्टाचार का नाम लेते हैं तो सीधा अरविंद केजरीवाल का नाम आता है और कांग्रेस पार्टी का नाम आता है। और ये ज्ञान बांटना बंद करें। बेतहाशा महंगाई हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ, जो दलित और मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। मेरे मेन मुद्दे ये हैं, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, जो बुनियादी सुविधाएं उनको लेकर हम लोग चुनावी मैदान। हमें इतना ज़्यादा आश्वासन है अपने ऊपर और इतना ज़्यादा आत्मविश्वास से हम भरे हैं। मोदी जी का जो 1 दशक का कार्यकाल है, वो सारी की सारी जनकल्याणकारी योजनाओं का जो असर है वो आपको ग्राउंड पर भी दिख रहा है। देखिए, बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है। सामने कोई भी सोमनाथ खड़ा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अरविंद से फिर आपके माध्यम से पूछता हूँ, स्वाति मालीवाल के साथ आपके घर में दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, आपकी मौजूदगी में की गई, आपके कहने पी गई, आपके निजी सचिव द्वारा की गई, उस पर चुप्पी क्यों है?
है चुनावी जंग, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली वाले किसके हैं संग। आप और कांग्रेस के दल तो मिल गए हैं, लेकिन दिल मिले क्या? सेम हाउस में पिटाई, क्या आप हार गई है लड़ाई? और आज पीएम मोदी दिल्ली की चुनावी संग्राम में किस तरह से भरेंगे ओंकार? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय आलोक, जो बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। वहीं हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष जोशी, जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वहीं राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े। वहीं सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पीयूष जोशी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा। दिन पर दिन जैसे जैसे गुजरते जा रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। स्वाति मालीवाल का जो आज का ट्वीट है, वो काफी जो भी इस मामले को फॉलो कर रहा है उसके लिए चौंकाने वाला है और पीड़ा देने वाला है। वो लिख रही है कि अब आम आदमी पार्टी के अंदर उनके चरित्र हनन की कोशिश हो रही है। एक बड़े नेता ने उनको ये बताया है कि आम आदमी पार्टी के अंदर ये कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल से जुड़े हुए जो कुछ तस्वीरें हैं वो सामने लाई जाएं, उनके बारे में गंदी बातें की जाएं। एक महिला इस तरह के आरोप लगा रही है। क्या चुनावों में आपको डर नहीं लगता कि इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को ये सारे जितने भी तरीके हैं ये अपनाने की कोई भी आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि दो कार्यकर्ताओं के बीच की आपस की यदि किसी एक राजनीतिक दल की लड़ाई है तो उससे जनता के वोट पे अंतर नहीं पड़ता। जनता के वोट पे अंतर पड़ता है कि यदि आपने जो वादे किए हैं, आपने यदि अच्छे सरकारी स्कूलों का वादा किया है तो वो निभाया है कि नहीं, यदि आपने अच्छे सरकारी अस्पताल या मोहल्ला क्लिनिक या प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे स्ट्रेंथन करने का हेल्थ केयर का काम किया है या नहीं किया है। तो जनता को उससे अंतर पड़ता है। जनता को उससे अंतर पड़ता है कि आपका जो लोकल एमएलए है, जो लोकल पार्षद है, वो आपके लिए अप्रोचेबल है कि नहीं है और आपकी बात सुनता है कि नहीं सुनता है। तो जब यदि ये सब चीजें जनता के लिए है तो जनता उन मुद्दों पर वोट करने वाली है। जनता इन मुद्दों पर वोट नहीं करने वाली है कि सीएम हाउस में क्या हुआ। जनता के लिए वो एक दूर की बात होती है। जनता के लिए नारी अपमान का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, जनता नजर जरूर रखती है इन चीजों के ऊपर, पर आप भी प्रखर जी ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आप एक लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, वरिष्ठ व्यक्तित्व है, आप जानते हैं जनता को कोई मतलब नहीं रहता आमतौर पर इन मुद्दों से। फिर भी मेरा यह कहना है क्योंकि पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है और पुलिस इस बात का संज्ञान ले चुकी है और कार्रवाई जारी है, तो इस ये जो मुद्दा है इसके बॉटम तक तो पहुंच ही जाएगी। अब रही बात स्वाति मालीवाल जी के आरोप और प्रत्यारोप की, तो अब इस चीज में मैं नहीं जाना चाहूंगा कि वो क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं और उसके पीछे का क्या मत है और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये पुलिस जो है इसके बॉटम तक चली जाएगी यदि निष्पक्ष जांच करेगी तो, और यदि पक्षपातपूर्ण जांच करेगी जिस प्रकार से जांच करती रही है पुलिस तो बात अलग है। मैं आपसे प्रकट जी एक बात बोलता हूं, मैं आपके स्टूडियो में यदि आता हूं, आपसे मुलाकात करने की मैं कोशिश करता हूं कि चलिए मुझे प्रखर जी से मुलाकात करना है, प्रखर जी कहीं व्यस्त है, प्रखर जी ने बोल दिया कि भाई मैं आपसे नहीं मुलाकात कर सकता डॉक्टर पीयूष जोशी, और मैं अड़ जाऊं कि नहीं मैं तो डीडी न्यूज के स्टूडियोज में आऊंगा ही और प्रखर जी से उनके न्यूज रूम में ही मुलाकात करके जाऊंगा और मैं कुछ भी हो जाए ये आपसे मिलकर जाऊंगा, तो आपके जो गार्ड्स हैं वो क्या करेंगे? मुझे मेरा कोई भी सहयोगी आपके साथ मारपीट नहीं करेगा, आपके पेट पे लात नहीं मारेगा, आपके शरीर के निचले हिस्से पे लात नहीं मारेगा, आपका सर टेबल पर नहीं फोड़ेगा, उसके बाद आपको लंगड़ा लंगड़ा के नहीं चलना पड़ेगा। ये डॉक्टर पीयूष जोशी से मैं वादा कर रहा हूं। प्रखर जी, मेरा यह कहना है कि आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है, पर ये चीज अभी भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना कि ये सब चीजें हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ये सब चीजें तो भाई अभी मैटर ऑफ, चोट के निशान तो मेडिकल रिपोर्ट में पाए गए हैं ना। देखिए, मेरा जो ये टोटल कहना है कि जो आप बोल रहे हैं कि ये एक कांड ऐसा हुआ है तो एक कांड न्यूज में जरूर चर्चा बटोरा हुआ है, पर आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में बने हुए काफी लंबा समय हो चुका है, तो ये जो चुनाव है डिलीवरेंस पे होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो बोला है वो किया है कि नहीं किया है, अल्टीमेटली बात आती है। और इसीलिए जो केजरीवाल जी, जैसे अभी आप याद करेंगे 2020 का विधानसभा चुनाव का, 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था एनआरसी सीएए के ऊपर जो था शाहीनबाग का प्रोटेस्ट, और भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी कि केजरीवाल जी चलिए आपने प्रोटेस्ट की बात निकाल दी और आपने ये कहा कि कोई असर नहीं होगा। एक मिनट सुन लीजिए, केंद्र सरकार का मुद्दा था और जो केंद्र सरकार का मुद्दा है दिल्ली सरकार का मुद्दा नहीं है। दिल्ली सरकार का चुनाव दिल्ली सरकार के कामकाज पे होगा, ठीक है, तो सेम मॉडस ऑपरेंडी केजरीवाल जी की बात। आपने कहा कि प्रोटेस्ट कोई इश्यू नहीं, प्रोटेस्ट की बात निकाली और आपने कहा कि स्वाति मालीवाल कोई इश्यू नहीं है। मुझे लगता है शायद आप मुंबई में रहते हैं, दिल्ली आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर। इंदौर में रहता हूँ सर, मैं बहुत छोटे शहर में रहता हूँ, इंदौर में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में रहता हूँ जी। अच्छा, आप इंदौर, दिल्ली में, ठीक है, आप इंदौर में रहते हैं। आप जब दिल्ली आम आदमी पार्टी के दफ्तर आते होंगे तो आम आदमी पार्टी का जो जहां दफ्तर है और बीजेपी का दफ्तर है इसकी दूरी आप गूगल मैप पर चेक कर सकते हैं, सिर्फ 800 मीटर की दूरी है। जब आपके मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री धरना प्रदर्शन करने पहुंचे तो वो पूरे 800 मीटर का जो इलाका था वो तक नहीं भर पाया था। मतलब हजारों तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, सैकड़ों लोग भी उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग थे, ये असर था। खैर, हमारे साथ अजय आलोक भी मौजूद हैं। अजय आलोक जी,
जो बार बार आम आदमी पार्टी जब स्वाति मालीवाल का जब भी जिक्र आता है तो वो एक आरोप बार बार लगाती है कि बीजेपी जो है वो स्वाति मालीवाल के इश्यू को लेकर राजनीति कर रही है, और दूसरा आरोप लगाती है कि स्वाति मालीवाल जो भी कर रही है वो बीजेपी के कहने पे कर रही है, और यहां तक कहा जाता है कि वो बीजेपी की एजेंट है। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए प्रखर जी, मैं पीयूष जी को सुन रहा था, बहुत दिनों से सुनता हूँ पीयूष जी, हम लोग बहुत बार बैठे हैं, काहे के लिए राजनीतिक विश्लेषक वगैरह। मैं पीयूष जी सीधे कहिए ना, केजरीवाल समर्थक, क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि बिल्कुल आप प्रखर जी से मिलने आइएगा ना सर, बिल्कुल लिख दीजिए सर। सुनिए ना, बीच में मैंने आपको मैंने टोका नहीं आपको, सुनिए ना, आपकी बात से मैं सहमत हूँ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सहमत तो होना भी चाहिए, आम आदमी पार्टी का समर्थक। अच्छा मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। आप प्रखर जी से मिलने आइएगा ना यहाँ दूरदर्शन के ऑफिस में, गेट से अंदर घुसने नहीं देगा जब तक अंदर से नाम नहीं जाएगा कि आना है इनको, तो मिलना लात खाना अमार खाना तो छोड़ ही दीजिए, गेट से घुसने नहीं जाएगा। उसी तरह से इस प्रदेश भर में जितने मुख्यमंत्री हैं, कोई किसी के घर में नहीं घुस सकता है जब तक अंदर से नहीं बोला जाए कि आने देना। इसका मतलब साफ है कि बुला के पिटवाने का हाल हो गया है, और मुख्यमंत्री आवास तो है नहीं, वो तो है शीश महल। मुख्यमंत्री आवास कहाँ है भाई? 78 करोड़ का मुख्यमंत्री आवास बनता है, 4 लाख का कमोड चाहिए उनको निवृत्त होने के लिए, उसको मुख्यमंत्री आवास की संज्ञा मत दीजिए, वो शीश महल है। और शीश महल भी नहीं, अब उसको बिग बॉस का अड्डा कहिए तो ज़्यादा बढ़िया है। कभी चीफ सेक्रेटरी मार खाता है, कभी अपने राज्यसभा की सांसद मार खा जाती है। महिला सुरक्षा गया तेल लेने, छोड़िए कौन पूछता है महिला सुरक्षा को, जो कहे केजरीवाल वही सही। दिल्ली की जनता काहे नहीं वोट देगी उनका मुख्यमंत्री बिना इस्तीफा दिए हुए शराब घोटाले में 1.5 महीने जेल में रह के आया भाई। इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने दी, एक अलग चीज़ है कि चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख को फिर सरेंडर करना है, अब फिर वह जेल से रहेंगे मुख्यमंत्री, अब दिल्ली की जनता उनको वोट देगी। देखिए आपको भी हंसी आ रही है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, एक पर एक गुनाह आके चिपकते जा रहे हैं। और देखिए मैं एक लाइन में बताता हूँ, चुनाव एक रियलिटी है प्रखर जी, आपके दर्शकों के लिए कि चुनाव दिल्ली में चुनाव एक रियलिटी है। ये दिल्ली सरकार का चुनाव नहीं है, ये केंद्र सरकार का चुनाव है, इसलिए केजरीवाल का चुनाव नहीं है, क्षेत्रीय दलों का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है, और दिल्ली राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, राष्ट्र भावना को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए चुनाव एक रियलिटी है। विपक्षियों का प्रचार एक फॉर्मेलिटी है, आप और कांग्रेस पे लगी इस बार पेनल्टी है, और 7 की 7 सीट बीजेपी जीतेगी, ये रियलिटी है, सच्चाई यही है। और बाकी आप लोग अपना विलाप गाना करते रहिए, आप और कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना। दिल्ली की जनता जब कांग्रेस को याद करती है ना तो 1984 याद आ जाता है, जब सिखों के गले में टायर लगा लगा के जला दिए गए थे, और उस वक्त संविधान नहीं खराब हुआ था। ये आप जो अरविंद केजरीवाल जो बैठे हुए हैं, यही कांग्रेस पार्टी को गाना गा गा के बोलते थे कि जेल भेजो सोनिया गांधी को, जेल भेजो शीला दीक्षित को, आज कांग्रेस पार्टी के गले में बैठे हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी भी इनको झूलना झूला रही है। कौन सा गठबंधन है भाई, इसी गठबंधन के साथ देश चलाएंगे आप लोग? लेकिन ये जो आरोप लग रहा है कि स्वाति मालीवाल जो है बीजेपी की एजेंट की तरह काम कर रही है, बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ जांचें चल रही थी, भर्ती घोटाला चल रहा था, जिसकी वजह से दबाव में वो बीजेपी के कहने पे काम कर रही है, इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए प्रखर जी, जो जांच चल रही है ना उसमें स्वाति मालीवाल अगर फंसेंगी तो जेल जाएंगी। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, हम थेथर हैं, आप लोगों को बता दे रहे हैं खराब है। नहीं नहीं, खराब है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, मैं कह रहा हूँ हमारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। पूछिए कैसे, बड़ा चुनावी बॉन्ड चुनावी बॉन्ड पे चर्चा हुई, 7 में से 4 कंपनी ऐसी थी जिन्होंने हमें चंदा दिया, हमने चंदा लिया, उसके बाद ही वो लोग जेल गए, तो हम थेथर ही ना हुए कि हम पैसा लेके भी जेल भेज देते हैं। तो उस मामले में एक बात कह देता हूँ कि स्वाति मालीवाल पर अगर कोई जांच चल रही है, जो इलीगल एम्प्लॉयमेंट्स की बात हो रही है महिला बोर्ड में, अगर उसमें वो फंसी हैं, अगर उसमें साक्ष्य हैं तो वो जेल जाएंगी। और जहां तक रही एजेंट की बात, तो बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता उनसे अभी तक नहीं मिला है, ना ही संपर्क में। आपको शर्म आनी चाहिए, वो स्वाति मालीवाल जो केजरीवाल के साथ 2002 से एसोसिएटेड है, उनके साथ एनजीओ चलाती थी, चुनाव में आई, उनको आपने चंडीगढ़ भेजा, वापस बुला के 8 साल से बैठा के रखा हुआ है दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बना के, जो पानी पीपी के तीन बार पानी पीपी के कोसती थी भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ दिल्ली में नहीं, हर प्रदेश में जहां मौका मिलता था वहां पहुंच जाती थी, असम तक गई, कूद के गई, मणिपुर तक गई, कूद के गई, एजेंट हो गई भारतीय जनता पार्टी की। वाह रे अपॉर्चुनिस्ट, मतलब इसमें अपॉर्चुनिस्ट भी शर्मा जाए। खैर केजरीवाल और छिपकिल्ली, उसमें छिपकिल्ली मात खा जाएगी, केजरीवाल नंबर 1 आएंगे। ठीक, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राहुल लाल जी हैं। राहुल लाल जी, आपकी स्थिति तो ये हो गई है कि मतलब हवन करते हुए हाथ जल गए, मतलब पहले तो गठबंधन को लेकर इतना विरोध हुआ, आपकी पार्टी में बगावत हो गई, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक ने इस्तीफा दे दिया, ऊपर से स्वाति मालीवाल वाला केस हो गया, अब हालत ये हो गई है राहुल गांधी की कि दिल्ली के अंदर वो मंच साझा करने में डर रहे हैं केजरीवाल के साथ। देखिए प्रखर जी,
इसको जो समझने समझने की स्थिति है, अच्छा। मैं आपके सवाल पे तो आ ही रहा हूँ, लेकिन अभी बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाए। आलोक जी ने कहा कि हम तो बिल्कुल थेथर हैं, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बिल्कुल बहुत मजबूती से लड़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो तमाम ट्रैक रिकॉर्ड देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आप जाइए, अजीत पवार से लेकर तमाम लोगों के बड़े लंबे लंबे उदाहरण हैं। जाँच की प्रक्रिया धीमी हो जाती है भाई, कभी मैं तो कहता हूँ कि कभी एजेंसियाँ हेमंता बिस्व शर्मा के घर भी चली जाती, कभी और तमाम लोगों के घर भी चले जाते, पूछताछ कुछ करके ही आ जाते, फिर भी शांति मिल जाती हम लोगों को। अब मैं आता हूँ दिल्ली के मामले को लेके। जी, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल भी मिले हुए हैं, और चूंकि ये जो गठबंधन बना है, ये गठबंधन कोई नेताओं ने नहीं किया है प्रखर जी, जनता के डिमांड पे नेताओं ने ये गठबंधन किया है। ये आप सोच के देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी 5 जगहों पर नंबर 2 पे थी, लेकिन आज कांग्रेस जो है कि वो 3 सीटों पर लड़ रही है और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ रही है। लेकिन उसके बाद ही वोटिंग परसेंटेज भी जोड़ लेते हैं, नहीं नहीं ये मिला के ना 40% भी नहीं वोटिंग परसेंटेज होता है ढंग से, वो चीजें बदलेंगी ना, वो 57% वोट लेकर बैठी हुई है बीजेपी। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बीजेपी 57% पे बैठी हुई है। हर चुनाव अलग होता है, आप लगातार उसे अगर पिछले चुनाव के संदर्भ में देखेंगे। अब आप बताइए कि कभी हम लोग देख सकते हैं कि 2012 उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, 2012 का, 2 साल बाद क्या स्थिति बन गई। 2009 में कांग्रेस की 21 सीटें थी, 2014 में कांग्रेस कहां पहुंच गई। तो हर जगह समीकरण बदलते रहते हैं। अच्छा, आपने कहा कि 5 और 2 सीटें, मतलब ये तो बड़ा त्याग कर दिया। पंजाब में आपको कुछ मिला नहीं, जहां पर आपकी 8 सीटें थी वहां पर आपका समझौता नहीं हुआ, और कुल मिलाकर इधर की भी आपने 5 सीटें, आप तो 3 सीटों पर आ गए लड़ने के लिए नंबर 2 होने के बाद। यहां पे देखिए कांग्रेस पार्टी, और अब ये स्वाति मालीवाल वाला केस हो गया उसमें और आप फंस गए आप लोग। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज की कांग्रेस पार्टी हमेशा त्याग पे ध्यान देती है, उनके लिए आवश्यक है राष्ट्र बचा हुआ रहे, ये नहीं कि ज्यादा सीटों पर लड़ने का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम नहीं करना है। दिल्ली की जनता और यहाँ पे जो लोग दावा कर रहे हैं 7 की 7 सीटें, आखिर ये कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि इन्हें अपने 6 सिटिंग सांसद बदलने पड़ गए इन्हें। ये बिल्कुल ये सही सवाल है, इसका जवाब हम आज आलोक से लेंगे। एक मिनट में खाली मैं जवाब दे दूं कि अगर इन्हें 6 सिटिंग सांसद बदलने पड़े तो ये गठबंधन का दबाव था, ये समझ गए कि अब यहाँ गठबंधन बड़ा ही जो है कि वो सुनामी लाने वाली है। अब स्वाति मालीवाल के मामले पे आ जाए कि भाई उसका क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है। देखिये महिला सुरक्षा का मामला कहीं पे भी हो, किसी भी पक्ष से जुड़ा हुआ, वो बड़ा गंभीर मामला होता है। स्वाति मालीवाल जी भी एक महिला हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी भी सुरक्षा का मामला गंभीर है, मैं इनकार नहीं करता उससे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को महिला सुरक्षा पे बोलने का नैतिक अधिकार है? जो दिल्ली की जनता ये चीज कह रही है कि आप जब पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के ऊपर कोई यौन शोषण के आरोप लगा देते हैं, उस राज्यपाल के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, 2 महिलाएं ने आरोप लगाए, उनके लिए हक लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा। अच्छी बात है कि स्वाति मालीवाल के लिए लड़ाई लड़ रहा है लोग, लेकिन बीजेपी का जो दोहरा रवैया, चाहे वो मणिपुर में हम लोगों ने देखा, चाहे कर्नाटक में देखा, महिला सुरक्षा को लेकर डबल स्टैंडर्ड। कांग्रेस ने संदेश खाली पर कितने बयान दे दिए। मैं बीजेपी के लिए ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि जब संदेश खाली की बात आती है तो कांग्रेस चुप्पी साध जाती है, जब मणिपुर की बात आती है तो बीजेपी से उस तरह से बयान देती है। ये दिक्कत है कि महिला शोषण, महिला की अस्मिता के साथ जब अपमान हो तो सभी पार्टियों को एक स्वर में बोलना चाहिए। राहुल गांधी को आपने नहीं सुना है, पश्चिम बंगाल में सबसे मुखर भाई कांग्रेस के, ये दुर्भाग्य इस देश की राजनीति, कोई दुर्भाग्य की स्थिति नहीं, सब जिम्मेदार है और सब जिम्मेदार है, उसमें कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है। हमारे साथ सूर्या मैथिल साहब भी है। सूर्या मैथिल जी, आप बहुत देर से सारी बातें सुन रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है और जो स्वाति मालीवाल का नया मामला सामने आया है, क्या कांग्रेस को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि अब उसकी स्थिति ये हो गई है कि अब वो मंच तक शेयर करने में कतरा रहे हैं, और ये 2024 के जो दिल्ली की 7 सीटें में एक बड़ा इश्यू बनकर उभरेगा, क्योंकि पीयूष, डॉक्टर पीयूष तो मानने को तैयार नहीं है, उनका तो कहना है कि ठीक है किसी एक राज्यसभा महिला सांसद की पिटाई हो गई तो हो गई, इससे कोई वोट नहीं डलता है, ये फ्री बिजली पानी पे वोट दे देंगे लोग हमको, आपको क्या लगता है? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम, और 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं इंडी गठबंधन के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए और इनकी जो पूरी की पूरी अजरक पार्टी है उसके लिए, कि उनकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो उसमें खजाने निकले, शहर में करता था जो सांपों का इलाज, सांप के कांटे का इलाज, जब उसके तहखाने को टटोला तो उसमें सांपों के ठिकाने निकले। अरविंद केजरीवाल जी महिला सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी कसीदे करते थे। आप देखिए ना, इनके एक उम्मीदवार हैं साउथ दिल्ली से, हमारी बांसुरी स्वराज जी के सामने सोमनाथ भारती जी, आपको पता है प्रखर जी उनके ऊपर आरोप क्या है? अपनी खुद की धर्मपत्नी को अपने पालतू कुत्तों से कटवाना, उनको मारना पीटना, डोमेस्टिक वायलेंस। और एक और मैं नाम याद दिला देना चाहता हूं पूरे देश को, सोनी मिश्रा, नरेला के विधायक शरद चौहान के
एक नेता थी सोनी मिश्रा जो आम आदमी पार्टी की, उनका बलात्कार नजराला के विधायक ने किया, पुलिस कंप्लेंट हुई, पुलिस ने कार्रवाई की। ना 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 ना, पुलिस ने कार्रवाई की, वो अरविंद केजरीवाल तक से मिली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा आपस में सेटलमेंट कर लो, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सुसाइड कर ली। एक और मैं आपको नाम याद दिला देना चाहता हूँ, सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए, पूर्व मंत्री संदीप कुमार, उस संदीप कुमार तो इनसे भी एक कदम आगे निकले, उन्होंने राशन कार्ड बनाने के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण किया, वीडियो क्लिप हमने और आपने सबने राष्ट्रीय चैनल्स पे देखी। तो ये तो आम आदमी पार्टी का कंडक्ट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रखर जी, अभी ये जो राजनीतिक विश्लेषक कम आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा सरकारी स्कूल बनवाए, जनता सरकारी स्कूल देखना चाहती है, एक सरकारी स्कूल का नाम बताइए जिसकी नींव अरविंद केजरीवाल ने रखी हो, उसका उद्घाटन भी किया हो। दूसरी चीज, एक फ्लाईओवर का नाम बताइए आप, एक नई बस कब खरीदी है आपने, उसको बताइए आपको, आपको मत चिल्लाइए, आपको बोला बीच में उन्होंने, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी देखिए उनको अपनी बात, आपके पास आ रहा हूँ ना राहुल जी, राहुल जी इस तरह से नहीं, बात सुन लीजिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मतलब इतना तो आम आदमी के समर्थक इतना गुस्सा नहीं हो रहे जितना आप हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली के एक एक घर के अंदर 20-20 रुपए की पानी की बोतलें, दो दो तीन तीन बोतलें लोग पी रहे हैं, कहां गया आप, फिर भी आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं, 12,000 रुपए की दिल्ली के आ रहे हैं। अरे सुनिए, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए नहीं, आप जो बात बोल रहे हैं ना, जनमानस का अपमान है ये, दिल्ली की तो जनता चुन रही है, राधिका खेड़ा के जो कांग्रेस के अंदर इंसिडेंट हुआ, उनका अपमान हुआ, उनके साथ नहीं, वो आप लगातार किससे बताते रहेंगे, घटनाएं बताएं, सूर्या जी, सूर्या जी मेरा सीधा सवाल, सूर्या जी, सूर्या जी मेरा सीधा सवाल ये है कि स्वाति मालीवाल का जो केस है, इसका दिल्ली के चुनाव पर जो 25 तारीख को मतदान होने वाला है, उस पर कितना असर पड़ेगा, कितना नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है या नहीं होगा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप मुझे ये बताइए। देखिए प्रखर जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, स्वाति मालीवाल जी का जो इंसिडेंट हुआ, उससे पहले ही दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो है, एक एक इन्होंने उम्मीदवार दिया है, भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह चिल्लाने वाला आतंकवादी, एक मिनट देखिए, ये फिर इनको बौखलाने की बदनामी करने का प्रयास करते हैं, जैसे टुकड़े टुकड़े जेल के उस नेता को इन्होंने यहाँ लड़वाया है, अपनी लड़ाई तो ये पहले ही हार गए, जो कहता था अब तो हम शर्मिंदा है। अच्छा सुनिए, चलिए चलिए सर, अच्छा एक 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 आपको भी रोक रहा हूँ, आपको भी रोक रहा हूँ, ठीक है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली चलिए बात वो अलग विवाद है, छोड़ देते हैं, लेकिन भारतीय सेना पर जो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, वो तो की थी ना, उससे उसको तो स्वीकार करेंगे ना। अब आप सुनिए जी, अजय अजय जी बोलिए, मैं एक लाइन इनसे पूछना चाहूंगा, राहुल जी से, हाँ, इन्होंने कहा कि एक उम्मीदवार है इनके, जिन्होंने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे, इन्होंने कन्हैया कुमार का नाम कैसे ले लिया, चूंकि बीजेपी का सिस्टम अजीब हालत है भाई, प्रथम डिबेट नहीं हो रहा है, मानते हैं ये, हर जगह ये मानते ना, देशद्रोही उम्मीदवार है इनका, अरे हमारे मनोज तिवारी नाम नहीं लिया, लड़ रहे हैं जमानत भी जब्त कराएंगे मनोज तिवारी, जनता पर करो तुम, और आप बीजेपी के लोगों से हमला करा रहे हैं, खुद मान रहे आतंकवादी है, खुद मान रहे हैं सब कुछ है, और उसके बाद भारतीय सेना को रेपिस्ट कहने वाला अब्दुल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, घर घर से अब्दुल निकलेगा, ठीक है, अब्दुल मारोगे, ऐसे नारे लगाने वाली जो चलिए तो ये लड़ाई तो पहले ही हार गए थे, अब तो असलियत ये देखनी है कि मार्जिन और कितना कम होने वाला है प्रखर जी, जमानतें भी इन साजो सीटों पे इस घमंडी गठबंधन की बचेंगी कि नहीं बचेंगी। अच्छा ठीक है मार्जिन, आपने मार्जिन की बात की, अजय जी मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आपने बताया कि बीजेपी जो है सातों में से सात सीटें जीत रही है, बीजेपी बहुत मजबूत है, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों में दिल्ली की जनता का विश्वास है, तमाम बातें, लेकिन जो सवाल राहुल ने उठाया था वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इतनी ही अच्छी स्थिति थी और दिल्ली में इतनी अच्छा बीजेपी काम कर रही थी तो छह चेहरे आपको बदलने की जरूरत क्या आन पड़ी? बिल्कुल सही बात है, आप इनका जो सवाल है ये स्वाभाविक है कि एक विपक्ष के नाते इनका पूछने का अधिकार बनता है। 2014-2019 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हर कार्यकर्ता के हिसाब से हम फीडबैक लेते हैं, हर सीट पर फीडबैक लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, और अपने इंटरनल सर्वेस के अनुसार और अपने कार्यकर्ताओं के सुविधा के अनुसार और उनकी उपस्थिति कहाँ पे किस जगह ज़्यादा मौजूद रहेगी। अब आप कहिए कि मैं भी चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं लड़ा जा रहा है, मुझ में क्या कमी है, लेकिन मेरी उपयोगिता कहीं और है, तो ये पार्टी तय करती है, इसलिए नहीं कि हमारे उम्मीदवार या हमारे कोई चीज़ खराब है। एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री हैं,
वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बहुत लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिटिंग एमपी थे उनके टिकट काटे गए, और जब आंकड़े सामने आ रहे हैं तो जो संसद निधि का जो फंड था वो भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए वो दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं उनके काम में कमी रह गई। तभी तो पार्टी ने इतना बड़ा फैसला लिया कि 7 में से 6 उम्मीदवार बदल दिए दिल्ली में। नहीं नहीं, काम से इसको काम से कहीं से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आपको मैं बताता हूं 303 में से कुल मिला के 79 टिकट हमने बदले पूरे देश भर में, तो क्या 79 सांसदों का काम अच्छा नहीं था? ऐसा नहीं होता, आम जनता तो यही मानती है। नहीं, आम जनता ऐसा नहीं मानती, कहा जाता है टिकट कट गया। देखिए, हम आसे नहीं, ये हम जब से भारतीय राजनीति को पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं यही कहा जाता है कि उनका टिकट कट गया। स्वाभाविक है, कहा जाता है कि टिकट कट गया, इनको टिकट मिल गया जी। कोई लिखवा क्या है क्या कि जन जनमांतर के लिए संसद बन के रहेगा, जैसे कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी विरासत में लेके आए रायबरेली और अमेठी की हमारे परिवार की स्थिति है। ये यहाँ नहीं होता है, नहीं होता है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और निरंतर चेहरे बदलते रहते हैं। किससे सोचा था 2012 में कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के? हमारे यहाँ तो कोई ये बता सकता है क्या कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन पीएम बन सकता है? यहाँ तो कांग्रेस परिवार में और आम आदमी परिवार में कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के परिवारवाद का ही मुद्दा उठा दिया है। और अभी मुझे इसी मुद्दे पर पीयूष से बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद, अभी एक वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, 5 की पंचायत में हम जब आएंगे लौटकर तो हम पीयूष से जानेंगे कि जो आम आदमी पार्टी के अंदर जो आपसी विवाद हो रहा है क्या उसकी जड़ में आम आदमी पार्टी का परिवारवाद है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। Delivery boy has picked your order. अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। पहले आप जाओ और अपना वोट डाल कर आओ। अरे भैया इतने ऑर्डर है आज के दिन, छोड़ो ना। बेटा अगर पहले वाली सड़कें होती ना तो 60 मिनट लगते एक फेरी में, और जब से ये मोदी जी ने नई सड़कें और पुल बनवाए हैं सिर्फ 20 मिनट लगती हैं। 40 मिनट बच गए ना, उनमें से थोड़ा वक्त निकाल के वोट डाल आओ और मोदी जी को ले आओ। हाँ अभी वोट डाल के आता। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका 5 की पंचायत में स्वागत है। और ब्रेक से पहले हम जब बात कर रहे थे, अजय आलोक जी ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया, सुनीता केजरीवाल का जिक्र करा, पीयूष जोशी, डॉक्टर पीयूष जोशी हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। पीयूष, बहुत आसान होता है कि आप आम आदमी पार्टी की किसी भी आपसी लड़ाई का जो ठीक रहा है वो बीजेपी के सर फोड़ दीजिए। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान मॉडस ऑपरेंडी है, लेकिन हकीकत में जो अंदर की खबरें हमारे पास आती हैं, मैं नहीं कहता पूरी तरह सही है, लेकिन जो खबरें आती हैं वो ये आती हैं कि सब कुछ पार्टी में ठीक चल रहा था। शराब घोटाले के बाद जब मनीष सिसोदिया जेल के अंदर जाते हैं तो उनको जिस तरह का सहयोग समर्थन आम आदमी पार्टी में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसके बाद ये कहा जाता है कि यहीं से जो नाराजगी शुरू होती है, और जब अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो सारा दारोमदार जिस परिवारवाद का वो विरोध करते थे, अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को वो सारी कमान दे देते हैं, और यहीं से जो है पूरी पार्टी के अंदर रिफ्ट की शुरुआत होती है। और स्वाति मालीवाल का केस भी करीब करीब इसी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए प्रखर जी, जहां तक मेरा मानना है कि कुछ पत्रकारिता सूत्रों के माध्यम से होती है और कुछ पत्रकारिता तथ्यों के माध्यम से होती है। तो केजरीवाल जी ने ऐसा कहां डिक्लेरेशन में लिखा कि सुनीता केजरीवाल जी को उनके बाद में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या पार्टी की कमान सौंपी जाएगी? ये सब हमारे अजम्पशंस हैं जो हम बातें करते हैं कि भाई अब आप एक पत्नी से क्या उम्मीद करते हैं, उसके पति को झूठे आरोप लगा के सरकार ने जेल में डाल दिया है, उसकी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं, पार्टी को तक को आरोपी बना दिया। क्या है, मैं आधे मिनट के लिए रोक सकता हूं आपको अगर अनुमति दें तो? जी हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक है, देखिए ये कैसे हम लोग अंदाजा लगाते हैं, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसके लिए नासा का साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं होती है। पहला ही जो वो भाषण देने आती है उसी टेबल पर बैठती है जहां से अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे,
गांधी भगत सिंह और जो है बाबा साहब के अंबेडकर के तस्वीर के बीच में केजरीवाल जी की तस्वीर आ जाती है, नीचे सुनीता केजरीवाल बैठ जाती है। जब कांग्रेस के और इंडी गठबंधन की जो एक साझा रैली दिल्ली में होती है तो सोनिया गांधी के पास उनकी सीट लगाई जाती है, जो वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के हैं वो दूसरी कतार में बैठे होते हैं। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रही थी, जिस तरह से मंच शेयर कर रही थी, जिस तरह से रोज सामने आके केजरीवाल जी की कुर्सी पर बैठ कर बोल रही थी, ये सब बातें अपने आप मेरे जो बात कह रहा हूँ उसको स्पष्ट कर देती हैं। इसलिए ये अंदाजे, इसलिए अगर आप इसको अफवाह मानते हैं, इसलिए अफवाहें कई बार सच भी लगने लगती है। जी पीयूष, कंटिन्यू। नहीं, मैंने अफवाह की बात नहीं की, मैंने यही बोला कि अंदाजा है, अजम्पशन है ना, मैंने ये नहीं कहा रूमर है। तो मेरा ये कहना है कि भी अजम्पशंस राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है, पर अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि सुनीता केजरीवाल जी कमान संभाल रही है। देखिए, एक पत्नी से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो अपने पति के समर्थन में भी ना आए, जब उसको पता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो नितांत झूठे आरोप हैं, मिथ्या आरोप हैं, पार्टी तक को आरोपी बना दिया, मतलब आप पार्टी का मर्डर करना चाहते हैं एक तरीके से। तो सीधी सी बात यह है कि भाई सुनीता केजरीवाल जी किस तरीके से समर्थन में आई, ये आप और हम सब जानते हैं कि ये कोई भी भ्याता करेगी, कोई भी धनपत्नी करेगी, पत्नी का परित्याग करने वाली पार्टी ये बात नहीं समझ पाती, वो बात बिल्कुल ठीक है। पर जहां तक रही बात है मेरी, इनको समझाइए, बिल्कुल गलत बात है, मैं बिल्कुल इसका विरोध करूंगा, इनको बोलिए अपनी हद में रहेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी में जिस प्रकार का इन्होंने टिप्पणी की, सूर्या जी प्रधानमंत्री, देखिए पीयूष जी अगर आप ना व्यक्तिगत बात करने लग जाएंगे ना तो इतनी र्यूमर्स दिल्ली में तरह तरह की, किस किस के लिए क्या क्या फैली हुई है, अगर यहाँ पर सारे गेस्ट ने बोलना शुरू कर दिया ना, मुझे मौका दीजिए, हमको वो सीमा नहीं लगनी, हमें वो सीमा नहीं लगना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है प्रखर जी, बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूँ, मैंने कहीं प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ ठीक आप बात को आगे बढ़ाइए, जो मुद्दा उस पर बात करते हैं, प्रधानमंत्री का नाम वो ले आया। अरे ठीक है, मुद्दे पे बात करते हैं ना, जो मैं आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए कि ये आपसी लड़ाई क्यों है, समझ के उठ गए भाई साहब बीच में, जरा शांति से बैठ जाइए, आप जब इतनी देर से बोल रहे हैं, आप बोलिए अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तो बस सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ, जो बात है कि भाई ये दिल्ली सरकार के डिलीवरेंस का चुनाव है, ये किसी के वंशवाद का चुनाव नहीं है, आपने जो वादे किए थे क्या आपने डिलीवर किए वो बात है। और क्योंकि अजय आलोक जी ने एक बात बोली थी एक रियलिटी के ऊपर एक तुकबंदी की थी, तो उसका जवाब दे देता हूँ कि रियलिटी जो है वो 4 जून को सामने आ जाएगी, परिणामों में भाजपा मुंह की खाएगी, साथ के साथ का दावा करने वालों के हाथ एक भी सीट ना आएगी, ये दिल्ली की जनता इनको असलियत दिखाएगी, ये बात है। और रही बात एक सांपों के तहखाने की बात की थी सूर्य प्रकाश जी ने, तो सांपों के तहखाने में एक ब्रजभूषण शरण सिंह जी भी अपना तहखाना झांक लो, कुलदीप सेंगर भी अपना तहखाना झांक लो, अब उसके अलावा एक आईएसआई का एजेंट था ध्रुव सक्सेना, जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की आईटी सेल का अध्यक्ष था, वो भी तहखाना झांक लो। तो देशद्रोहियों के और जो महिला अपराधों के जो सिरमौर बने हुए हैं उनसे युक्त पार्टी है, जो आके लेक्चर दे रही है कि भैया ये हो गया ये हो गया। फिर भी मेरा ये कहना है कि मालीवाल जी ने जो आरोप लगाया उसकी पूरी जांच होना चाहिए। मेरा जो कहना था, जो आम आदमी पार्टी के अंदर जो भगदड़ मची हुई है, जो विवाद की खबरें अंदर से सामने आती है, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने पूरे घोड़े खोल दिए खुद को जमानत दिलवाने के लिए, यहाँ तक कि वकील, सुनिए मेरी बात, जो वो अभी तक हमने सुना था कि वकील जब कोई बड़ा उनका क्लाइंट होता है तो मोटी फीस वसूलते हैं, यहां पर तो राज्यसभा की सीट की डील होने लगी थी और वो राज्यसभा की सीट जो है वो कहते हैं कि स्वाति मालीवाल की राज्यसभा सीट से अभिषेक मनु संघवी को भेजने की बात हो रही थी, और ये सब वजह जो है वो आम आदमी पार्टी के अंदर दरार की वजह बनती है, लेकिन सारा ठीकड़ा जो है वो बीजेपी पे फोड़ दिया जाता है। प्रखर जी, पूरे सम्मान के साथ में मैं सिर्फ आपको ये जवाब देना चाहता हूँ कि भाई ये सब ये सारी कोशिशें मनीष सिसोदिया के लिए क्यों नहीं हुई, राज्यसभा की जो डील और ये सब बातें हैं ये सब देखिए अनुमान है, अनुमान तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी लगा सकता है, कह सकता है कि प्रधानमंत्री की सीट की डील करने लग गए, अब ये कोई बात होती है क्या? ठीक है, कहना है कि देखिए मैं जैसा बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के डिलीवरेंस का चुनाव है, तो भाई प्रधानमंत्री जाके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बुराइयां गिनाने की बजाय अपनी अच्छाइयां गिना दें, अपनी अच्छाइयों को अपने मैनिफेस्टो के पेज नंबर 1, 2, 3 बोर्ड पे रखें और हर चुनाव की रैली से ये बात करें कि मोदी सरकार ने क्या किया है, और हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या किया और जनता को चुनने पीयूष जी, ऐसा है ना कि आप इंदौर में बैठे हुए हैं तो इंदौर में हम लोग कितने लाख वोट से जीतेंगे वो आपको जवाब होगा कि हम कितनी मुंह की खाएंगे और कितनी सीट हमें आएंगी। देश की बात तो आप सुन लीजिए, एक मिनट यार, बीच में नहीं बोलता हूँ ना मैं, बीच में नहीं बोलता हूँ, अभी आप इतने आराम से बोल रहे थे, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, सुन कह रहे हैं कि नोटा का रिकॉर्ड बनने वाला है, ठीक है चलिए वो भी देखेंगे, नोटा का रिकॉर्ड बनने वाला है, चार जून के पहले तो 2 जून को केजरीवाल वापस तैयार चले जाएंगे, मैं दो लाइन बस बोलना चाहता हूँ, सुनीता केजरीवाल को इस देश ने
पूरे देश ने देखा कि वो किस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के देश को एड्रेस करती थी। इस दिल्ली में जब आपकी रैली हुई तो इस दिल्ली में आपकी रैली में अकेली स्पीकर आम आदमी पार्टी की तरफ से सुनीता केजरीवाल थी। उसके बाद क्या होता है, अरविंद केजरीवाल आ गए, सब संभाल लिया। आज तक सत्येंद्र जैन के लिए केजरीवाल रोड पे नहीं उतरे, आज तक कभी मनीष सिसोदिया के लिए रोड पे नहीं उतरे डिप्टी सीएम। विभव जैन में कौन सी चाशनी लगी हुई है कि चींटी तुरंत भाग गई रोड पे, कौन सी चाशनी लगी हुई है? कहा तो ये भी जाता है कि सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मुझे पता चल गया विभव को बचाओ, क्योंकि एक दिन पहले संजय सिंह आगे कह रहे हैं किशोर पालीवाल मालीवाल के साथ बहुत अभद्रता हुई है, उनके साथ सीएम हाउस में बहुत अभद्रता हुई है, सीएम ने इसका संज्ञान लिया, गजब संज्ञान लिया, उनके लिए धरना देने उतर गए। क्या संज्ञान होता है, क्या संज्ञान होता है? राजनीति कर दीजिए ना, पश्चिम बंगाल के राजभवन को लेकर थोड़ा टिप्पणी कर दीजिए। सच्चाई है कि आप सबसे बड़ा पाप है, इस पाप को दिल्ली की जनता धोएगी इस बार। अच्छा, आप अगर सबसे बड़ा पाप सबसे बड़ा पाप है, तो फिर इतना बार जनादेश कैसे मिल रहा है? अजय जी अभी सभी मेहमानों को रोकूंगा, सभी पीयूष जी मैं सभी मेहमानों को यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। दूरदर्शन से खास बातचीत में एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ा इंटरव्यू आ रहा है दूरदर्शन से खास बातचीत में। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर मोदी सरकार बनने की बात कही है। हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने विशेष बातचीत में उनके साथ, जो विशेष बातचीत गृह मंत्री अमित शाह जी ने की है, इस बार अमित शाह जी ने इस बातचीत में दावा किया है कि 400 से अधिक सीट बीजेपी जीतेगी। साथ ही उन्होंने बंगाल में 30 से अधिक सीटें जीतने की भी बात कही। आइए देखते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। लोकसभा हो या विधानसभा, जिनके पास हर सीट का मैनेजमेंट रहता है, हर सीट की रणनीति जिनके पास रहती है, और इस बार जो नारा दिया गया है 400 पार का, उस नारे को हकीकत में बदलने के लिए जो दिन रात जुटे हुए हैं, गृह मंत्री अमित भाई शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित भाई। मौसम बदला हुआ लग रहा है, इतनी भीड़ और इतनी गर्मी में भी अब देखिए बादल छा गए हैं, कुछ बदलाव लग रहा है? दो माले तक लोग चढ़े हुए हैं, किलोमीटरों तक जन सैलाब है, ये मोदी जी की लोकप्रियता का एक प्रमाण है। पांचवा चरण खत्म हो गया है और बंगाल में ये जो अपार जन सैलाब दिखाई दे रहा है, अमित भाई आपने 310 की बात की, यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है। देखिए पांचवे चरण तक हम 310 पार कर चुके हैं, 400 पार जाएंगे और बंगाल में हम 30 सीटें से ज्यादा सीटें। अमित भाई आप बंगाल में थे, आपने बताया कि पहले ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की बात करती थी, अब वो मुल्ला मदरसा माफिया की बात करती हैं। आपको लगता है कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण अब ये एजेंडा हो गया है चुनाव का? देखिए एजेंडा ममता जी ने बनाया है, आप देश की सीमाओं को घुसपैठ के लिए खोला छोड़ोगे और यहाँ का पूरा डेमोग्राफी चेंज करोगे तो लोगों में गुस्सा है वो वाजिब। अमित भाई हम चुनाव की कवरेज के दौरान संदेश खाली गए, वहां पर हमने देखा महिलाओं की स्थिति अभी भी बहुत खराब है, 11-11 साल से लोग वोट नहीं दे पाए हैं। आप उस जनता से जो संदेश खाली की है उनसे क्या वादा करेंगे? देखिए बंगाल में परिवर्तन होने के साथ ही हम कट मनी, ये माफिया, ये सिंडिकेट, घुसपैठ, गाय तस्करी, कोयला तस्करी, करप्शन और तुष्टिकरण, ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान है यहाँ भाजपा सरकार। अमित भाई इस चुनाव में एक चीज देखने में आ रही है कि टूलकिट गैंग जिसकी बात की जाती थी वो विदेश से भारत के चुनाव को चलाने की कोशिश कर रहा है, विदेश से एक वीडियो अपलोड होता है और विपक्ष उसे हाथों हाथ लेकर के उस पर एजेंडा सेट कर देता है, ये जो टूलकिट गैंग है, पहले तो मैं दिखाऊं, देखिए दर्शकों किस तरह से महिलाओं का प्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आरती उतार रही है अमित भाई की, और यही बंगाल की वो माताएं हैं, नारी शक्ति है जिनकी बात लगातार हो रही है। जी अमित भाई टूलकिट क्या है? हम इस पर गृह विभाग और आईटी डिपार्टमेंट दोनों जरूर सोचेंगे नई सरकार बनाने के बाद, और उस पर नकेल कसने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कानून लाना ये हमारा संकल्प पत्र का हिस्सा भी। अमित भाई बसंत में विपक्ष जो है उसने पहले आरक्षण की बात की, अब वो कह रहे हैं 400 पार आपकी आएंगी तो संविधान बदलेगा, तानाशाह हो जाएगा देश, और अब एक और नई बात आ गई है कि 400 पार में तो दम ही नहीं है क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं इससे आधी सीटें भी नहीं आएंगी।
राहुल जी का 6 तारीख को विदेश वैकेशन में जाना तय है और मोदी जी का तीसरी बार शपथ लेना तय है। अंत में चलते चलते अमित भाई, उत्तराधिकारी को लेकर के आप सवाल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं आप जब से आए हैं तब से गाली दे रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल जेल में जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी तय करे, बाकी पार्टियों की चिंता करने की उनको जरूरत। अमित भाई अब की बार 400 पार पूरी तरह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित भाई जो कि दावा कर रहे हैं कि 400 पार जो नारा है वो हकीकत में बदलेगा और साथ ही उत्तराधिकारी को लेकर ये जवाब जो है वो याद रखा जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ रीमा पराशर, डीडी न्यूज के लिए। तो ये थे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो इस वक्त डीडी न्यूज की सीनियर कंसल्टिंग एडिटर रीमा पराशर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। फिलहाल 5 की पंचायत में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। हर घर पाइप से पहुंचाएंगी सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। तो ब्रेक के बाद 5वीं पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं दिल्ली की राजनीति में, क्योंकि अगले 24 घंटे में यहां पर चुनाव प्रचार समाप्त होने वाला है। मेरे साथ राहुल लाल साहब हैं। राहुल लाल साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहां पर बैठे हैं। आज राघव चड्ढा का हम एक भाषण सुन रहे थे जिसमें बड़ी दिलचस्प बात कही, और उन्होंने कहा कि चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है दिल्ली में, और वो इसलिए दिलचस्प होने वाला है क्योंकि राहुल गांधी जो है वो अपने जिस संसदीय क्षेत्र में वोट डालेंगे वो वहां पर झाड़ू के निशान पर वोट डालेंगे, और अरविंद केजरीवाल जिस सीट पर वोट डालेंगे वो कांग्रेस के पंजे पर वोट डालेंगे। मुझे तो पहला शक है क्या ऐसा दोनों वो करेंगे, क्योंकि बात ये भी हो रही है, और इसकी पीड़ा ज्यादा किसको होगी? अरविंद केजरीवाल को इसकी ज्यादा पीड़ा होगी या राहुल गांधी को ज्यादा पीड़ा होगी इसकी पीड़ा? किसी सवाल मेरा नहीं, मतलब लोग सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैं दो तीन मैं एकदम बिल्कुल जवाब देता हूं कि ये यही तो खुशी है गठबंधन धर्म की। अच्छा, हम लोगों ने बिहार में एक दृश्य देखा कि वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह थमा दिया, कमल लेके जो है नीतीश कुमार जी दिख रहे थे भाई। हम लोगों ने कभी देखा कि किसी सहयोगी दल का चुनाव चिन्ह लेके जो है कि प्रधानमंत्री भी नजर आते, समझते कि बड़ा तालमेल बना हुआ है। तो वो स्थिति जो आप देख रहे हैं ना, ये शंकाएं किसके मन में उठ रही है? जो एनडीए वाले मानसिकता के साथ जो लोग सोच रहे हैं। अच्छा। और इंडिया वाले मानसिकता में बहुत जोर से नहीं कहता, वो करंट लगने वाला बटन दबने वाला है दोनों तरफ से, केजरीवाल भी दबाएंगे और राहुल गांधी भी दबाएंगे। इसलिए ये मैंने पहले ही कहा कि ये गठबंधन काफी अटूट किस्म का गठबंधन है, और बीजेपी घबराई हुई क्यों? अटूट है कि एक दूसरे को बुलाते नहीं अपने मंचों पे। नहीं, वो देखिए यही तो, ये तो रणनीति की चीजें हैं ये। तमाम स्वाती मालीवाल का ऐसा बम फूटा कि भैया हमारे मंच, हम मंच शेयर नहीं करेंगे आपस में। ये बताइए, देखिए आप कितना गठबंधन, देखिए आपका गठबंधन, खाली एक लाइन में बोल रहा हूं, कन्हैया कुमार के लिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने रोड शो किया कि नहीं किया उनके लिए? तो एकदम यही तो है, गले भी मिले, गले भी मिले, तो इसलिए उसमें कहीं कोई संकट की स्थिति नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं एक रोड शो करना चाहिए था। ये बहुत जरूरी होता राजनीतिक तौर पर भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कन्नौज में राहुल गांधी गए और रायबरेली अमेठी के अंदर अखिलेश आए, ये असली गठबंधन होता है। सूर्या जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दिल्ली के जो भी राजनीतिक पंडित हैं वो इस पर ये चर्चा कर रहे हैं कि वोट ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक बना है वो कांग्रेस के वोट पर ही बना है। तो ऐसे में आपको लगता है कि दोनों पार्टी के अपने अपने समर्थकों का वोट ट्रांसफर करवा पाएंगे? एक राजनीतिक तौर विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे इसका सवाल का जवाब चाहूंगा। धन्यवाद। देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा बहुत ही वाजिब प्रश्न है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप सोमनाथ भारती ले लीजिए, चाहे आप कुलदीप कुमार ले लीजिए, और भी इनके कैंडिडेट्स हैं, वो सब पानी पी पी के कांग्रेस को गिराते ही तो रहे हैं। 2014 में जब आम आदमी पार्टी बनी, उसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल जी का कंडक्ट क्या था कि सोनिया गांधी को 10 दिन के लिए कस्टडी में लो
और इन्वेस्टिगेशन करो, देखो पता चलता है कि कहां कहां कितने कितने घोटाले की 400 पन्नों की फाइल लेके उसी शीला दीक्षित के लिए अगेंस्ट में घूमते थे ना कि भैया देखो जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा इनको अंदर जेल में डाल दूंगा इस प्रकार से। और एक और हमने यही जो प्रयोग है उत्तर प्रदेश में भी देखा था, बुआ और बपुआ की जोड़ी का प्रयोग, वहां कागजों पर तो ऐसा लग रहा था कि सुनामी है सपा बसपा की, और जब जमीन पर वोट देने की बात आई, वोट ट्रांसफर की बात आई, सीख ली है। तो अंडा नील बटा सन्नाटा हुआ, नील बटा सन्नाटा। देखिए वो बात इसकी मैं आपको थोड़ा रोकूंगा कि कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ा ही, ना ना कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बीजेपी 72 से 62 सीटों पर आ गई है तो मानेंगे ना जी, वो जो बीजेपी 62 से 72 सीटों पर आ गई जब सपा बसपा का गठबंधन यूपी में हुआ, तो अगर सुनिए गठबंधन के आधार पर तो ये दिल्ली के अंदर वोट ट्रांसफर ऑलरेडी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट सिमिलर वोट है, वो पहले भी भाजपा के खिलाफ ही वोट हुआ है, और पिछली बार भी स्थिति आप देखिए भाजपा का कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं जो 2 लाख के मार्जिन से ना जीता। इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मार्जिन जो है बढ़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोटर जिसने कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से दुखी होकर आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, आज वही जो वोटर है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है शराब घोटाले से, सौती मालीवाल वाले मामले से, उसके अलावा कांग्रेस के संग जो गले मिलने की बात हुई है, यानी एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी से गले मिल गया, जो पहले गालियां देते थे आज वो दोस्त हैं, इसे ही कहते हैं राजनीति। यही दिल्ली की गली गली और चौक पे आवाज आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस संग जो गठबंधन किया है उस गठबंधन से उन्होंने आत्महत्या की अपनी राजनीति। ठीक है सूर्य जी, आपका विचार हो सकता है ब्रेक के बाद में। अजय आलोक जी से जानना चाहूंगा कि क्या सिर्फ बीजेपी जो है दिल्ली में सिर्फ पीएम मोदी के भरोसे, क्या वो स्थानीय एक बड़ा नेतृत्व तैयार नहीं कर पाई है, ये सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन उसके पहले लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए, किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला, MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH पांचवी पंचायत में ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं दिल्ली की राजनीति की। अजय जी मेरा सवाल है, और ये कई लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि पिछले 26 साल से बीजेपी जो है विधानसभा के अंदर दिल्ली में नहीं जीती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमेशा जो है बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो ये सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को दिल्ली के एक बड़ा चेहरा, दिल्ली में एक बड़ा चेहरा बनाने की किसी को जरूरत थी? एक नेतृत्व को स्थापित दिल्ली स्थानीय प्रदेश के लिए स्थापित किया जाता, उसको विकसित किया जाता, एक चेहरा होता, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव जो है दिल्ली के 2014 हो, 2019 हो और 2024 हो, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द आप घुमाने की कोशिश करते हैं। अजय जी देखिए, हम निश्चित तौर पे ये मानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली की प्रबुद्ध जनता है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है 100% लिटरेसी रेट, लोग जानते हैं एक दूसरे को, लोग समझते हैं, और जनमत का हम पूरा सम्मान करते हैं कि ठीक है लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव में हमें लगातार 14-19 में 7 की 7 सीटें दी, उसके पहले भी हमें अच्छा समर्थन देते रहे जी। लेकिन कतिपय कारणों से लोगों का विश्वास हमें राज्य में, आप ठीक कह रहे हैं, राज्य में हमें नहीं मिला। हम अपने प्रयास में हैं, और निश्चित तौर पर मानिए कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हम अपने प्रयास में जरूर सक्सेसफुल होंगे, और मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे प्रयासों के बावजूद हमें राज्य में विधानसभा चुनाव में लोगों ने भरोसा नहीं किया, लेकिन एमसीडी के चुनाव में लगातार 3 बार भरोसा किया, इस बार हम हारे हैं, और भी हमारी जीत और बीजेपी की जीत की मार्जिन में से कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ एक चेहरा होना चाहिए बीजेपी के पास, दिल्ली बीजेपी के पास, प्रखर जी वो कहीं ना कहीं कमी खलती। नहीं नहीं प्रखर जी,
मैं इस बात पे एग्री नहीं करता हूँ। कौन सा चेहरा हमारे पास राजस्थान में था, कौन सा छत्तीसगढ़ में था, कौन सा हमारे पास चेहरा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में चेहरे आपने बदल दिए, राजस्थान के अंदर बड़े चेहरे आपके पास हमेशा रहे, मध्य प्रदेश पांच छह बड़े नेता है। हम विपक्ष में चेहरे बदले ना तो चेहरा बन गया, चेहरे बदले तो चेहरा बन गया। लेकिन हमेशा से वहां पर आप राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, बीजेपी के पास एक नहीं कई कई चेहरे रहे, लेकिन दिल्ली में एक भी चेहरा नजर नहीं आता है ना। और दिल्ली बीजेपी भारी भीतरघात के भी शिकार है, जो भीतरघात की बात तो आप कीजिए मत। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस्तीफा देकर बैठे हुए हैं, आप दिल्ली के बीजेपी के भीतरघात की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, 2017 में उत्तर प्रदेश में कौन सा चेहरा था हमारी पार्टी? चेहरा पे बिलीव, हम पर्सन सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते ही नहीं है भाई। ठीक, हमारा सिंपल है कि हम बिहार इस बार दिल्ली की जनता को बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि जो नेतृत्व चाहेगा एक बहुत सक्षम नेतृत्व आएगा, और दिल्ली की जनता को हम रिप्रेजेंट करने इस बार जा रहे हैं, और ये आप नाम का पाप दिल्ली की किताब में बंद हो जाएगा। ठीक है, तो समय का अभाव है, मुझे इस बहस को यहीं पर विराम देना होगा, और अब बहुत समय नहीं बचा है, दो तीन दिन के अंदर बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो टक्कर दिल्ली में है उसके नतीजे जो उसके मत हैं वो ईवीएम में कैद हो जाएंगे, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल आप सभी चारों मेहमानों का डीडी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए डीडी न्यूज़। पांच की पंचायत के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है शुद्ध है MDH, मिर्ची धनिया हल्दी असली मसाले सच सच MDH और गैलेंट एडवांस रैबर निर्माण का रियल हीरो।